पीपल एरिया जो है वो 41,600 एकड़ जो है वो डूबा हुआ है और 11,777 परिवार जो हैं और 205 गांव बिलासपुर के जो हैं वो गए हुए हैं। यहाँ इतनी पैदावार होती थी कि ये दूसरों को जो है वो एक्सपोर्ट करते थे। यहाँ तो सिर्फ इंपोर्ट जो होता था बिलासपुर में खासकर वो सिर्फ नमक, बाकी हर चीज यहाँ पैदा होती थी। कपड़ा जो है वो बुनकर से बनता था, बुनकर बनाते थे यहाँ के, उसको जो है वो खादी पहनते थे। कपास खेतों में होती थी, गन्ना खेतों में होता था, मतलब हर चीज। एक नमक को छोड़ हर चीज यहाँ पैदा होती थी। 1955 में जो है वो इसकी फाउंडेशन स्टोन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसने जो है वो डाल दिया। और 1963 में जो है वो इसको राष्ट्र को जो है वो सौंप दिया। तो उस टाइम के जो लोगों से मेरा संपर्क हुआ तो वो कहते थे कि भई हमें जो है वो इसके बारे में सारी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसे जो है वो दिखाया गया। झील के किनारे किनारे जो है वो सड़क होगी पूरी राउंड राउंड में, और उसके किनारे जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो उस भूमि को जो है वो डेवलप किया जाएगा। और जहाँ तक लोगों के बसाव की बात है तो उन्हें इतनी फैसिलिटी दी जाएगी कि वो जो भी सुख सुविधाएँ उनकी पीछे थी वो जो है वो भूल जाएंगे। परंतु देखने में ये आया कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ से भाखड़ा से जो है वो लोगों को मतलब हरियाणा में भेजा गया और वहाँ से भी कुछ ने कब्जे कर लिए और कुछ जो है वो वापिस आ गए क्योंकि उनको जो है वो कब्जा नहीं होने दिया और वो आके जो है वो इन जंगलों में बस गए। कुछ लोग जो हैं वो पहले ही नहीं गए और वो जो है वो यहीं आकर जो है वो बस गए। 3600 परिवार जो है वो बाहर गए थे और उसमें से भी 760 के करीब जो है वो वापिस आ गए। यहाँ पर उस टाइम के परिवारों की संख्या के लिहाज से उस टाइम के 10,000 से ऊपर, तो आज वो परिवार जो हैं वो 4 गुना बढ़ गए। यहाँ पर जो है वो जितनी भी फॉरेस्ट लैंड है वो सारी जो है वो मतलब ऐसी है कि भी कोई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, कहीं जाके सेंचुरी है, कहीं जाके नेशनल पार्क है, तो इस तरह से है। और लोग जो हैं वो वहाँ पहले से ही बसे हुए थे और उसके बाद जो है वो डैम से उठे तब बस गए। तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया उस टाइम सरकार की तरफ से जो है, या सरकार के कर्मचारियों की तरफ से, सरकार के विभागों की तरफ से जो है वो कोई उस पर जो है वो प्रतिक्रिया नहीं हुई। लोग बस गए और लोगों को ये बताया गया कि भाई मतलब जहाँ आपको सूटेबल मिलती है जंगलों में वहाँ जो है वो वर्बली तौर पर हुआ, नॉट इन राइटिंग, वहाँ जो है वो आप चले जाओ और अपना जो है वो सेटल हो जाओ। जो इनक्रोच जो है वो इनक्रोचमेंट जो है वो लोगों ने की है, अवैध कब्जा जो है वो जंगलों पर किया लोगों ने, उसके बारे में जो है वो ये केस हाईकोर्ट में गया और इन्होंने जो है वो उसमें डिटेक्ट किए और जिन जिन का जो है वो मौके पर देखा गया कि भाई इनके
जो है वो खेत बने हुए हैं या मकान कहीं पड़ा हुआ है या उसका कोई काउ सेट पड़ा हुआ है, तो उन पर जो है वो मामले जो है वो चला दिए। लगभग 40-50 कनेक्शन जो है वो लोगों के काटे गए हैं बिजली पानी लगभग इन बिलास 200-250 अलग अलग जगह के परिवार ऐसे हैं जिनको जो है वो नोटिस गए हुए हैं कि भी आपके बिजली और पानी के मीटर जो है वो उठा के ले जाएंगे, वरना आप जो है वो इसके बारे में बताओ कि भी आपके जो मकान है या जमीन है वो जो है वो अवैध नहीं। पहले तो डैम से उजड़े डैम तो उजड़ने बाद ढींगे बसाई तो बंदरों की घर तो रहने पे ढींगा फिर इतनी बनाए तो हूँ इतने फिर इससे पहले हमारी स्लाइड हो गई जमीन ही टोटल 40 बीघे रकबे स्लाइड हो गया, उसमें हमारी बिल्डिंग जो बनी थी सारी गिर गई। उसके बाद डीसी के पास है, डीसी ने बोला जहाँ आपका मकान आपकी जमीन है उसके साथ अगर सरकारी भी बढ़िया मकान बना लो तो वहाँ बना लो। जवानी उसने कहा हमने बना लिया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया ना गाँव ने किया ना पड़ोसियों ने किया ना बाहर ने किया। पहले एक सरकार ने 2002 में जब ये धूमल सरकार थी इन्होंने कहा कि जी हम रेगुलराइज कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि सभी लोग जो अपना अपना फार्म भरो, तो यहाँ 50-50 रुपए में जो है सबसे सबने फार्म भर दिए थे, चलो शायद मिल जाएगी। हुआ क्या, मिली तो नहीं पर वो लोग जो है उसमें आ गए कि अवैध कब्जा बढ़ गए और आगे के लिए क्या बनना उनका कि किसी भी अब प्रति जनपद जैसे पंचायत में खड़े होना या कहीं में उसकी किसी मेंबरशिप के लिए या प्रधान के लिए वहाँ उनको जो है वो भी रास्ता बंद। सरकार ने कहा था कि आपके जो अवैध कब्जे है ये नियमित किए जाएंगे, किसी के पास क्लोजमेंट जो है मकान है चाहे किसी के पास छोटी मोटी खेती कर रखी है अपना छोटा मोटा परिवार पालने के लिए पाल पोषण के लिए अपने छोटे मोटे अवैध कब्जे जितने पेड़ पौधा है कुछ भी है खाने अपने खेत वगैरह लगाए हैं सब्जियां वगैरह किसी ने तो उनको पे नियमित कर देंगे। इसलिए इस बेस पर लोगों ने सभी ने लिख कर दिया 50 रुपये का कागज पटवारी से लिया, वो भी कोई चोरी ठगी नहीं कुछ नहीं। पटवारियों ने कहीं तो मौके पर बनाए नहीं, जिनके मौके पर नहीं बनाए उनको तो लाखों रुपये ले लिया उनसे और उनके ऐसे बना दिए, मौके के ऊपर को आया नहीं है। जो मौके के ऊपर जिन्होंने बनाया उनके ऑब्जेक्शन लग गए, अब कैसे गुजारा होगा। हम तो इस चीज़ को सोच रहे हैं अगर ये माड़े मोटे दो दो कमरे बनाए इनसे बाहर कर दो गवर्नमेंट देना तो क्या फिर उससे भी हमें उजाड़ रहे। सौभाग्य से ऐसा है कि 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वन अधिकार अधिनियम जो है सेंटर से हुआ तो उसका कानून बना और 2008 में ये भारतवर्ष में एक्सेप्ट J&K जो है ना इसको लागू कर दिया गया। तो हिमाचल में भी पार्शियली यानी 2-3 जिलों में जो ट्राइबल में आते हैं जैसे किन्नौर था लाहौल था या हमारे चंबा का कुछ एरिया था वहाँ पर क्योंकि खाबड़ पहाड़ है वहाँ पर सरकार ने लागू कर दिया बाकी जगह नहीं। फिर हम आंदोलनरत रहे ये हमारे ऑस्टीज जो है ना तो 27 मार्च 2012 को पूरे हिमाचल में इस कानून को लागू किया, परंतु ये एक्ट जो है इन पेपर से लागू हुआ। कमेटियां बनी तो वो भी मतलब जैसे जिला स्तर पर बननी थी वो सब डिवीजन पर बननी थी वो बन गई, पर लोगों तक इसकी कोई किसी तरह की मतलब वो नहीं हुई, चर्चा नहीं पहुंची या बेनिफिट देने की कोई बात नहीं। 13 दिसंबर 2005 से पूर्व जिसने भी वन भूमि पर कब्जा किया हुआ है उसको जो है वो वहाँ से उठा नहीं सकते। तो उसमें सारे जो भाखड़ा विस्थापित हैं वो सब उसमें कवर होते हैं, क्योंकि 1960 के बाद जो है वो लोग जंगलों में आ गए, उन्होंने अपने आशियाने बनाए, उन्होंने मतलब खेती योग्य जमीन बनाई। अगर आपके पास 4 हेक्टेयर तक की जगह भी आपके पास कब्जे में है और वो 5 दिसंबर 2005 से पहले का कब्जा है, उसमें या तो 3 पीढ़ियों से आपका कब्जा चला हो या फिर 75 साल से आपका मतलब उस पर कब्जा हो, तो वो जगह उन्हीं लोगों को मिलेगी। तो बुजुर्ग मरी हुए 100 साल दादा मरी गया असि हालारा सियाणा भी हर पैंटा सतरा पुजलोणा तो सियाणा कितनी उम्र ही सी असि रे आसपास हो गई तीसरी पीढ़ी हो गई। अच्छा है आहा ते अग्गे भी पीढ़ी पड़या गा इसे भी बड़े बड़े हो रहे हर बच्चे हुन बोलो हुन कल दिन ब्याह ही दिए असे पज बई बई हालत न्याणे होई गए चौथी चौथी पीढ़ी हुई
ये आपकी बात ठीक है, हम भी उसी बात को कह रहे हैं ना, जब ये तीसरी पीढ़ी हमारी होगी तो वो हमने क्लेम भी करना है कि वाकई हमारी ये तीसरी पीढ़ी हुई है, जो कुछ भी बताना है वो आप लोगों ने ही इस एक्ट के तहत करना है, इसमें कोई ऊपर का अधिकारी नहीं आएगा। हमारी गांव की जो बैठेगी ना कमेटी, तो वहीं पर मतलब कमेटी में पूछा जाएगा, किसी बूढ़े आदमी से पूछ लिया, किसी से पूछे कि वाकई भी इसके कब्जा जो है कई दिनों, तो जब सब बोले भाई हमने देखा ही इतने सालों से, जब से भी आए नहीं के पास है, अब पता नहीं 100 साल से है कि 150 से है कि कितने पीढ़ी है, तो तीसरी चौथी पांचवी भी हो गई।